नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल बीएसई ट्रिकी क्लासेस में। तो दोस्तों, आज की क्लास बहुत ही इंपॉर्टेंट, बहुत ही शानदार और जानदार रहने वाली है। तो अगर ये क्लास आपको पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, आप लोग मिलकर शेयर कीजिएगा, सपोर्ट कीजिएगा। तो आज है आप लोग का दिल्ली पुलिस कांस्टेबल के लिए रिक्रूटमेंट एग्जाम पेपर, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आज के क्लास में डिस्कस करेंगे। तो आज हम पेपर का सॉल्यूशन लेकर आए हैं, तो आइए देखते हैं कि आप कितना अभी तैयार हुए हैं। 100 में से 100 देखते हैं आज कौन इस वीडियो में से ला पाएगा। तो आज ये बहुत ही इंपॉर्टेंट आज का जो है लाइव सेशन रहने वाला है, और आज शुरुआत होगी रीजनिंग से, शानदार रीजनिंग, फिर जीके जानदार, उसके बाद कंप्यूटर होगी यहाँ पर बहुत ही मजेदार, और मैथ होगी यहाँ पर बहुत ही ज्यादा दमदार। तो ये पूरा पैटर्न रहेगा आज की क्लास का। और दोस्तों, अगर क्लास आपको पसंद है तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, मिलकर आप लोग सपोर्ट कीजिएगा। तो गुड इवनिंग ऑल ऑफ यू, कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करता हूं कि आप लोगों की तैयारी बहुत ही अच्छी चल रही होगी, और आपकी तैयारी को और भी अच्छा करने के लिए हम डेली बेस पर आपकी प्रैक्टिस यहां पर करा रहे हैं। तो पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर, चलिए बताइए, निम्नलिखित प्रश्न में दिए गए विकल्पों में से शब्द को, संबंधित शब्द को चुनिए। जैसे कि साइकोलॉजी का रखा है एल्गाई, शैवाल विज्ञान शैवाल से संबंधित है, तो उसी प्रकार आपका सही जवाब क्या होगा बताइए। और मेरे प्यारे मित्रों, मैंने ये टॉपिक आज और कल मैंने शुरू किया है एनालॉगी टेस्ट वाला, और यही टॉपिक का पहला क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछा गया है। ओके, देखिए, शैवाल का वैज्ञानिक अध्ययन शैवाल विज्ञान के अंतर्गत किया जाता है, उसी प्रकार रक्त के वैज्ञानिक अध्ययन को रुधिर विज्ञान कहा जाता है। तो आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी, रक्त का अध्ययन रुधिर विज्ञान में किया जाता है, शैवाल का अध्ययन शैवाल विज्ञान में किया जाता है। तो जिसका भी आंसर सी है, वेरी गुड, क्लियर हो गया पहला क्वेश्चन। अच्छा, अब आपका अगला क्वेश्चन आपके सामने है, इसको बताइए, ई एफ जी एच जे 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 ए डी एम एन, अगला स्टेप क्या होगा इसको आप लोग बताइएगा, और क्या होगा आपका सही जवाब ये आपको बताना है। हाँ बिल्कुल, माइक्रोफोन चेंज कर लेंगे आज, उसको जो है चेंज करने के लिए दे दिया गया, आप देखते हैं कब वो वापस आएगा दोबारा। तब तक आप लोग इसी माइक से कार्य चलाइए, ये सेकंड माइक है जिसकी आवाज थोड़ी सी आपको खराब खराब सी आएगी, ठीक है ना। चलिए देखिए, लॉजिक की जहां तक बात करेंगे तो आपको क्या दिया गया है, ई एफ जी एच, और इससे आपका क्या आ रहा है यहां पर, जे 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 जे। तो लॉजिक आपका क्या कह रहा है यहां पर, ई से आपका आ रहा है ई एफ जी एच आई जे, पहले आपका 5 स्टेप बाद आपका जे आ रहा है, तो ई से आपका जे आ रहा है पहले 5 स्टेप बाद, फिर एफ से आपका 4 स्टेप बाद आपका जे आएगा, प्लस का 4 हो जाएगा, जी से दोस्तों आपका जो है प्लस का 3 स्टेप हो जाएगा, और एच से जो आपका यहां पर जे है ये प्लस का 2 स्टेप हो जाएगा। तो लॉजिक क्या है, लॉजिक आपका है +5 +4 +3 +2। तो अब आपको बताना है यहां पर ए डी एम एन, तो ए डी एम एन से क्या होगा आपका, ए डी एम एन, तो +5 +4 +3 +2, तो ए के 5 स्टेप बाद क्या आएगा आपका, एफ आ जाएगा, ए के 5 स्टेप बाद आपका एफ आएगा, ठीक है ना, डी के 4 स्टेप बाद आपका एच आ जाएगा, एम के 3 स्टेप बाद आपका पी आएगा, और एन के 2 स्टेप बाद आपका पी आ जाएगा। तो दोस्तों, जिनका भी आंसर यहां से आ रहा है आपका एफ एच पी पी, बिल्कुल राइट हो जाएगा। तो मेरे प्यारे दोस्तों, आपका सही जवाब क्या होगा यहां से, ये होगा आपका परफेक्ट आंसर ऑप्शन बी। क्लियर है, डाउट नहीं आता तक, उम्मीद करता हूं कि यहां तक तो कोई समस्या आपको हुई नहीं होगी। अगर आपको अभी भी समस्या आ रही है, इसका मतलब है आपका ध्यान कहीं और है। तो दोस्तों, आपका ध्यान किधर है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्लास किधर है, तो बिल्कुल जुड़े रहिए और देखते रहिए आज की इस क्लास को। अब बढ़ेंगे आगे, आज का अगला क्वेश्चन आपके सामने है, इसको बताइए, 11 से आपका आ रहा है 121, 111 से आपका क्या आएगा ये आपको बताना है, ठीक है ना। आवाज में क्या प्रॉब्लम आ रही है, 11 से आपका आ रहा है 100। अच्छा ठीक है, बहुत ही स्लो बोलना पड़ेगा। तो दोस्तों, आप लोग यहां पर देख सकते हो लॉजिक की अगर हम बात करेंगे तो ध्यान दीजिए, अब ठीक है आवाज क्लियर आ रही है, यहां पर सभी को आवाज बिल्कुल क्लियर आ रही है। 11 का स्क्वायर होता है 121, 11 का स्क्वायर आपका होता है 121 होता है, तो 111 का स्क्वायर क्या हो जाएगा, तो 1 2 3 2 1, जैसे यहां पर 2 बार है 11, 1 1
तो दो तक ले जा रहे हैं, या तीन बार एक गए तो यहाँ पर तीन तक ले जाते हैं, अगर पूछता चार बार होता तो हम चार तक लेकर जाते, पांच बार होता तो पांच तक लेकर जाते। तो सही जवाब होगा आपका 1 2 3 2 1, ये आपकी ट्रिक है। अब बढ़ते हैं आगे, आज का अगला क्वेश्चन देखिए, इसको बताइए दोस्तों। अब आपको यहां पर क्या बताना है, आप लोग यहां पर देख सकते हो, निम्नलिखित प्रश्न में दिए गए विकल्पों में से विषम शब्द को चुनिए, ठीक है। चलिए, तन्ने पता है ना मुझे क्लास में सोते हुए बालक बिल्कुल पसंद नहीं है, तो कोई भी क्लास में सोएगा नहीं। देखिए ये क्लास बहुत ही स्पेशल है, अभिषेक जी आप ध्यान दीजिए, आज मैं जितने भी क्वेश्चन आपके लिए लेकर आया हूँ, एक एक क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछा गया है। दिल्ली पुलिस एसआई के मैं पेपर अभी सॉल्व करवा रहा हूँ, फिर मैं हेड कांस्टेबल के कराऊंगा, और मैंने कांस्टेबल के सारे पेपर सॉल्व करवा दिए ऑलरेडी। चलिए, आपको दिया गया हेड ब्रेन, हेड हैंड रिस्ट, भुजा कंधा पैर टखना। देखिए मस्तिष्क शरीर का वह भाग है जो सिर में होता है, जो सोच स्मृति और अनुभूति को कंट्रोल करता है। लेकिन अगर हम बात करेंगे हाथ की, तो हाथ मनुष्य के बाजू में कलाई के नीचे के भाग को कहते हैं। भुजा दो बाजू का भाग होता है जो कंधे से हथेली तक होता है। टखने के नीचे पैर के भाग को पाद यानी कि फीट कहा जाता है। तो ऐसे में सबसे अलग क्या हो जाएगा, तो आपका राइट आंसर हो जाएगा सर, और ये आपको दिया गया मस्तिष्क, बिल्कुल राइट होगा सिर और मस्तिष्क, बाकी हाथ कलाई भुजा कंधा पैर टखना ये सब कॉमन है, लेकिन सबसे अलग जो आपका पॉइंट आएगा वो आएगा सिर और मस्तिष्क वाला, ठीक है ना। क्योंकि मस्तिष्क शरीर का एक भाग है जो सिर के अंदर होता है, जो सोच स्मृति और अनुभूति को कंट्रोल करता है। चलिए अब बढ़िया आगे, आज का अगला क्वेश्चन देखिए, इसको बताइए दोस्तों। अब आपको बताना यहां पर इन चारों में से सबसे ऑड लेटर कौन सा है, सबसे विषम आपको बताना यहां पर विषम अक्षर कौन सा है, पी यू PUSW, CG और आपको दिया गया है KO। तो दोस्तों 10th क्वेश्चन की बात करेंगे ना, तो लॉजिक देखिए आप लोग, P के बाद क्या है, P के बाद क्या आता है आपका, P MNOP Q R S T U, तो पांच स्टेप बाद आपका U R S के बाद देखिए S T U V W, चार स्टेप बाद आपका W आ जाएगा, C D E F G, चार स्टेप बाद आपका G आ जाएगा, K L M N O, चार स्टेप बाद आपका O आ जाएगा। तो देखिए यहां प्लस चार ओके ओके ओके, बट यहां पर आपका प्लस फाइव है, तो सबसे अलग क्या होगा, ऑप्शन ए वाला आंसर बिल्कुल राइट हो जाएगा। तो जिनका भी आंसर ए आ रहा है बिल्कुल राइट होगा। यहां तक तो क्लियर है, आवाज गूंज रही है, अच्छा हाँ वो माइक में थोड़ा सा प्रॉब्लम है, माइक चेंज करना पड़ेगा तभी जाकर आपको आवाज क्लियर आएगी, तब तक आप लोग जो है मैनेज कीजिए, कुछ दिनों की बात और है। अब बढ़ेंगे आगे, आज का अगला क्वेश्चन आपके सामने है, इसको आप लोग यहाँ पर बताइए। अच्छा दोस्तों इसको देखिए लगाइए, आपके पास केवल 10 सेकंड होंगे, 64 109 36 83 42 87 102 147, तो आपका सही जवाब क्या होगा इसको बताइए। देखिए मेरे प्यारे मित्रों, 109 और 64 के बीच का जो आपका अंतर है ना, ये अंतर आपका 45 का है, क्लियर है। आपका 36 और दे रखा है आपको 83, इसमें अंतर आपका 47 का है। 42 और 87 दिया गया आपको, इसमें अंतर आपका 45 का है। 102 और 47, इसमें भी अंतर आपका 45 का है। तो दोस्तों आपको बता दें आपका सही जवाब क्या है इसको देखिए मेरे प्यारे मित्रों। जैसे कि आप लोग देख पा रहे होंगे सभी संख्याओं के बीच 45-45 का अंतर है, बट जब मैंने ऑप्शन बी को देखा तो मेरा केवल अंतर 47 का आया, जो कि सबसे डिफरेंट है, दैट इज ऑड नंबर, इसमें क्या हो जाएगा, तो दैट्स द ऑड नंबर आपका होगा 36 एंड 83। चलिए अगला क्वेश्चन आप लोग ट्राई कीजिए और बताइए कि आपका सही जवाब क्या होगा। चलिए सब लोग बताएंगे, देखिए मैं जानता हूं कि थोड़ा सा आपको साउंड में प्रॉब्लम हो रही होगी, लेकिन पहली बात मुझे ये बताइए, क्वेश्चन क्लियर दिख रहा है सभी को, पहली बात मुझे ये बताइए, उम्मीद करता हूं कि क्वेश्चन आपको सही से दिख रहा होगा, ठीक है ना, बस थोड़ा सा आवाज प्रॉब्लम आपको होगी, तो आप मुझे बताइए कि सही जवाब क्या होगा। आपको क्या करना है, इसमें शब्दों को शब्दकोश में आने वाले क्रम के अनुसार लिखिए,
मैं थोड़ा सा आवाज को यहाँ पर कम कर देता हूँ ताकि आपकी आवाज गूंजे ना, ठीक है ना। थोड़ी सी आवाज को मैं कम कर रहा हूँ, एक मिनट आप रुकिएगा। चलिए अब थोड़ा सा आपको आवाज बिल्कुल क्लियर आएगी। 14 क्वेश्चन की बात करेंगे तो आपका सही जवाब क्या होगा? हैंगर, हैस्टेन, हेंज, होमली और हाउल। 3, 4, 1, 2, 5। ओके, तो दोस्तों आपका सही जवाब क्या होगा 14 क्वेश्चन का? ऑप्शन सी होगा। तो जिनका भी आंसर सी आ रहा है बिल्कुल राइट होगा। 3, 4, 1, 2, 5। तो दोस्तों जिनका भी आंसर सी आ रहा है बिल्कुल राइट होगा। वेरी गुड क्लास। चलिए अब बढ़ेंगे आगे। आज का अगला क्वेश्चन आप सभी लोग बताएंगे। दोस्तों अगर आपको कामयाब होना है तो जितने भी क्वेश्चन मैं करा रहा हूँ एक एक क्वेश्चन को आपको बिल्कुल सही करना है। बस आपका टारगेट क्या होना चाहिए कि जितने भी हमने आपको क्वेश्चन पढ़ाए हैं बस वो आप पढ़ लीजिए, सही कर लीजिए। और किताबों के बारे में बहुत से लोग पूछ रहे थे तो यूट्यूब पर सर्च कीजिएगा, दिल्ली पुलिस, दिल्ली पुलिस बेस्ट बुक BSA। अगर आप लोग घर पे पढ़ते हैं जैसे कि कभी कभी होता है कि 30 मिनट या एक घंटा आपके पास होता है तब आप क्या करें, तो ऐसे में आप लोग चाहे तो किताबें भी ले सकते हैं। मैंने किताबें आपको सजेस्ट कर रखी है जो फाइनली आपके सिलेक्शन के लिए आपके एग्जाम के लिए बहुत ही हेल्पफुल रहेगी। तो दिल्ली पुलिस बेस्ट बुक BSA, ठीक है। चलिए तो दोस्तों क्वेश्चन आपको क्या दिया गया? के, आपका के है, आपका एम है, ओ है, क्यू है। तो अगला स्टेप क्या होगा इसको आप सभी को बताना है। तो कैसे लगाएंगे देखिए, के एल एम एन ओ पी क्यू, ठीक है ना, आर एस, तो आपका एस आ जाएगा। तो इसमें लॉजिक क्या आपका +2 +2 +2 +2, यही तो लॉजिक है आपका ना। तो आपका क्यू के बाद क्या आएगा? एस आ जाएगा। तो बात खत्म, खेल खत्म। तो जिनका भी आंसर सही आ रहा है बिल्कुल राइट हो जाएगा। आप ले चलते हैं आपको आगे। आज का अगला क्वेश्चन आपके सामने आपको दिया गया है, इसको आप लोग मुझे बताएंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे, इसको आप लोग बताएगा। दोस्तों निम्नलिखित प्रश्न में, निम्नलिखित प्रश्न में दिए गए विकल्पों में से लुप्त अंक ज्ञात कीजिए। तो आपको क्या दिया गया? एक है आपका, 4 है, 15 है, 64 है। तो नेक्स्ट स्टेप क्या होगा इसको बताइए। तो दोस्तों इस क्वेश्चन की अगर हम बात करेंगे तो आपका सही जवाब क्या हो जाएगा देखिए। 18 क्वेश्चन की बात करेंगे तो लॉजिक क्या आपका, देखिए लॉजिक को समझने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, ये आपका दिल्ली पुलिस SI वाला पेपर चल रहा है। ओके दोस्तों, तो ये जो है आपका दिल्ली पुलिस SI का पेपर चल रहा है, आपका CAPM वाला, ठीक है ना, CPO का। तो दोस्तों चलिए आपको बता दें यहाँ से, 1 × 2 + 2, तो 2 × 1 = 2, 2 × 2 = 4 हो जाएगा, ये आपका 4 आ गया। अब क्या करेंगे दोस्तों यहाँ पर, अब क्या करने वाले, 4 की मल्टीप्लाई करेंगे 3 से, 4 × 3 = 12, 12 × 3 = 15, आपका 15 आ जाएगा, ये आपका 15 आ गया। अब 15 की 4 से मल्टीप्लाई करेंगे, 15 × 4 = 60, 60 × 4 = 64 आ जाएगा, ठीक है दोस्तों। तो यहाँ पर आपका 64 आ जाएगा। अब 64 आ गया, इसकी मल्टीप्लाई करेंगे 5 से और 5 जोड़ देंगे। तो पहले मैंने 2 से मल्टीप्लाई किया 2 जोड़ा, 3 से मल्टीप्लाई किया 3 जोड़ा, 4 से मल्टीप्लाई किया 4 जोड़ा, तो 5 से मल्टीप्लाई करेंगे 5 जोड़ेंगे कितना आ जाएगा। तो दोस्तों 64 × 5 आपका 320 आएगा, 5 जोड़ेंगे तो आपका सही जवाब होगा 325। तो जिनका भी आंसर यहां से आ रहा है 325 बिल्कुल राइट हो जाएगा। वेरी गुड। दोस्तों बिना माइक के देखते हैं कि आपको आवाज बिल्कुल क्लियर आ रही है। आप सब कुछ मैंने माइक घटा के साइड में रख दिया है, उम्मीद करता हूं कि आप थोड़ी सी आवाज आपको क्लियर आ जाए। तो जिनका भी आंसर यहां पर आ रहा है 325 होगा बिल्कुल आपका सही जवाब। क्लियर है ना, अब तो कोई दिक्कत नहीं है। अब पढ़ेंगे आगे। आज का अगला क्वेश्चन आपके सामने है, इसको बताइए। दोस्तों ध्यान दीजिएगा आप लोग, निम्नलिखित विकल्पों में से वह शब्द चुनिए जो दिए गए शब्द के अक्षरों का प्रयोग करके नहीं बनाया जा सकता। अब देखते हैं एक बार यहाँ पर, अब तो कोई प्रॉब्लम नहीं आ रही आपको, सब कुछ ओके है।
चलिए बताइए। ठीक है, कोई प्रॉब्लम तो नहीं आ रही है आप लोगों को? चलिए दोस्तों, निम्नलिखित विकल्पों में से वह शब्द चुनिए जो दिए गए शब्द के अक्षर का प्रयोग करके नहीं बनाया जा सकता। तो कौन सा शब्द आपका नहीं बनाया जा सकता, 22 क्वेश्चन की बात करेंगे। तो आपका सही जवाब होगा पायरेट। तो जिनका भी आंसर डी आ रहा है पायरेट, बिल्कुल राइट हो जाएगा। तो मेरे प्यारे साथियों, यहां से आपका सही जवाब क्या होगा, पायरेट होगा। चलिए अब बढ़ते हैं आगे। आज का अगला क्वेश्चन आपके सामने है, इसको बताइए। तो दोस्तों 28 क्वेश्चन का आज आपको बता रहा है कि इसका सही जवाब क्या होगा। ऑप्शन ए होगा, ऑप्शन बी होगा, सी होगा, या फिर डी हो जाएगा। तो चलिए दोस्तों आप लोग मुझे बताइए कि इस क्वेश्चन का आपका सही जवाब क्या होगा। तो दोस्तों ये आप सभी को बताना है। देखिए 6 का स्क्वायर परसेंट 2 का स्क्वायर कैप लगा 3 का स्क्वायर बराबर दिखता है सर, ठीक है ना। 50 क्वेश्चन है, 50 क्वेश्चन आपके हैं रीजनिंग के, 50 क्वेश्चन मैथ के हैं, 50 क्वेश्चन आपके जो रहते हैं जीके के रहते हैं, और 50 क्वेश्चन इससे करीब करीब इंग्लिश के रहते हैं। तो टोटल आपका जो है यहाँ पर 200 क्वेश्चन का पेपर था, जो मैं यहाँ पर दो बार में आपको कराता हूँ। और रही बात इंग्लिश की, वो आपके एग्जाम में आएगी नहीं, इसलिए चलिए। तो दोस्तों चलिए इसको बताते हैं आपका आपका सही जवाब क्या होगा। ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, सी या फिर डी। तो क्या है इसका लॉजिक, बिल्कुल सही। देखिए 6 का स्क्वायर 36, 2 का स्क्वायर 4, 3 का स्क्वायर 9, बराबर आपका 41 आ रहा है। कैसे आ रहा है, कैसे दोस्तों यहाँ पर 41 आ रहा है? अगर 36 से 4 घटा दें 32 बचे, और 32 में 9 जोड़ दें तो आपका 41 हो जाएगा। तो परसेंट का मतलब माइनस और गैप का मतलब प्लस। अब इसको देखिए 7 का स्क्वायर 49, 5 का स्क्वायर 25, 2 का स्क्वायर 4। तो 49 से 25 को माइनस कीजिए आप लोग, तो 9 में से 5 गया 4 बचेगा आपका, 4 2 में 2 बचेगा, और इसमें आपको 4 जोड़ दीजिए यहाँ पर, तो 24 4 28 हो जाएगा। ये बात भी सही हो गई। अब आपको दिया गया 5 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर और 1 का स्क्वायर। 5 का स्क्वायर 25, 3 का स्क्वायर 9, 1 का स्क्वायर है, ये माइनस करो ये प्लस करो, तो आपका सही जवाब क्या होगा। 25 में से 9 जाएगा तो आपका कितना बचेगा, चलिए बताइए। देखिए 28 क्वेश्चन की बात करेंगे, 25 में से 9 घटाएंगे तो आपका बचेगा 16, और 16 में आपको 1 जोड़ देंगे तो आपका सही जवाब हो जाएगा 17। तो मेरे प्यारे मित्रों, जिनका भी आंसर यहाँ पर आ रहा है 17 आ रहा, बिल्कुल राइट हो जाएगा। तो आपका सही जवाब क्या होगा, 17 होगा, इस क्वेश्चन का बिल्कुल राइट आंसर। चलिए अब बढ़ेंगे आगे। आज का अगला क्वेश्चन देखिए और आप लोग बताइएगा कि आपका सही जवाब क्या होगा। देखिए आपका जो तीसरा 30 वाला क्वेश्चन है ना, ये काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दिया गया है, ठीक है। कैसे क्या करना है देखिए, निम्नलिखित प्रश्न में दिए गए विकल्पों में से प्रश्न चिन्ह के स्थान पर आने वाली संख्या को बताइए, ठीक है। तो आपका सही जवाब क्या होगा, आपके ऑप्शन ए देखिए क्या दिया गया, ऑप्शन ए है 13, ऑप्शन बी 14, ऑप्शन सी है आपका 15, और ऑप्शन डी है आपका 16। तो आपका सही जवाब क्या होगा, इसको बताइए। साउंड की प्रॉब्लम आपको बहुत ज्यादा आ रही है। चलिए दोस्तों आपको बता दें इसका सही जवाब क्या होगा, 10 और 1 11, 7 4 11, 11 बराबर 11, खेल खत्म इसका। 14 और 5 को आप लोग जोड़िए, 5 4 तो 14, 5 19। तो दोस्तों आप लोग यहां पर देख सकते हो 14 और 5 आप पे कितना हो जाएगा, 19 हो जाएगा, और 11 और 8 आप पे कितना हो जाएगा, 19 हो जाएगा। अब दोस्तों देखिए 12 और 9 कितना होगा, 12 है, 12 और 10 22 होता, ओके। तो 12 और 9 को जोड़िए तो 6 में ऐसा क्या जोड़े कि मेरा आंसर भी उतना ही है। तो ऐसे में दोस्तों आपका सही जवाब क्या होगा, ये आप लोग मुझे बताइए। बहुत ही बेसिक से क्वेश्चन आपके सामने है, तो 21 आ जाएगा, आप 21 में से 6 को माइनस कर लीजिए, दैट आपका राइट आंसर हो जाएगा 15। तो दोस्तों जिनका भी आंसर यहां पर 15 आ रहा है, बिल्कुल राइट हो जाएगा। तो आपका सही जवाब क्या होगा, 15।
चलिए अब बढ़ते हैं यहाँ से आगे। आज का अगला क्वेश्चन देखिए आपके सामने आपको क्या दिया गया है, इसको आप लोग मुझे बताइएगा। दोस्तों दी गई आकृति में आपके कितने ट्रायंगल हैं? डबल आवाज आ रही है, डबल आवाज कहां से आ रही है? एक मिनट आप लोग रुकिए, फिर से चेक करते हैं, वॉइस को थोड़ा सा और कम करते हैं, देखते हैं डबल आवाज आपको कहां से सुनाई दे रही है। एक मिनट रुकिएगा आप लोग, ठीक है ना, आवाज को थोड़ा सा और कम करते हैं। हेलो एवरीवन, हेलो, आवाज क्लियर आ रही है? देखिए थोड़ा सा अब सही आवाज, ऑडियो इनपुट, ऑडियो चेक कीजिए एक बार आप लोग आवाज। हेलो एवरीवन, आप देखिए अब डबल आवाज के लिए बंद हुई आपकी, क्योंकि शायद यहाँ पर दो ऑप्शन ओपन है तो एक मैंने क्लोज कर दिया है, शायद अब जाके आपकी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाए। ठीक है, चलिए तो मैं क्वेश्चन की यहाँ पर बात कर रहा था, तो आपको यहाँ पर क्या दिया गया है इसको आप लोग यहाँ पर बताइए। दोस्तों दी गई आकृति में कितने ट्रायंगल हैं, तो आपको बताने कि इसमें टोटल आपके कितने ट्रायंगल होंगे। ऑप्शन ए 10, बी 12, सी 14 और डी आपको दिया गया 16। तो आपका सही जवाब क्या होगा, ए बी सी या फिर डी? ठीक है ना, देखो डबल वॉइस तो नहीं आ रही है, चेक कर लीजिए बार आप लोग। चलिए तो इस क्वेश्चन के बारे में आपको बताते हैं। देखिए दोस्तों आपका सही जवाब क्या होगा, आपका एक ट्रायंगल है ये, एक ट्रायंगल आपका, ये दो ट्रायंगल, ये आपका तीन ट्रायंगल, ये आपका चार ट्रायंगल, ये आपका पांच ट्रायंगल और ये आपका छह ट्रायंगल। तो इसमें मेरे टोटल कितने मिल गए, अभी हमें छह मिल गए। अब डबल वाले काउंट करेंगे आप लोग, तो दोस्तों देखिए एक ट्रायंगल आपको ये मिलेगा, एक ट्रायंगल ऐसा, ऐसे एक ट्रायंगल आपको ये मिल जाएगा। क्लियर है यहां पर, डबल डबल वाले, ऐसे एक ट्रायंगल आपको ये मिलेगा और ऐसे दोस्तों एक ट्रायंगल आपको ये मिल जाएगा। तो चार आपके ये हो गए, छह चार दस आपके ये हो गए, अभी दो आपके और बचे हैं। ठीक है, अब दो ट्रायंगल आपके कौन से बचे हैं, और एक देखिए ये वाला पॉइंट, एक ये वाला पॉइंट और एक ये वाला पॉइंट। तो एक ट्रायंगल आपका ये पूरा बनेगा, एक और एक आपका देखिए ये वाला पॉइंट, ये पॉइंट और ये पॉइंट, एक ट्रायंगल आपका ये बनेगा। तो टोटल आपके इसमें ट्रायंगल कितने हो जाएंगे, 12 होंगे। तो मेरे प्यारे मित्रों अगर आपका आंसर 12 आ रहा है, बिल्कुल राइट है। समझ में नहीं आया आपको, किसी को भी समझ में नहीं आ रहा है, किसी को भी समझ में नहीं आया कि 12 कहां से आया? चलिए मैं एक बार फिर से रिपीट करूंगा, सिर्फ और सिर्फ आप लोगों के लिए, ताकि आपको मैं बिल्कुल सही तरीके से समझा पाऊं, हमारे किसी भी स्टूडेंट को समझने में कोई प्रॉब्लम ना आए। मैं भरपूर प्रयास करूंगा ताकि आप लोगों को कोई भी समस्या ना हो हमारी क्लास में, तो बिल्कुल ना हो। ठीक है, देखिए मैं एक बार फिर से रिपीट करूंगा सिर्फ और सिर्फ आप लोगों के लिए, एक ट्रायंगल, दो ट्रायंगल, तीन ट्रायंगल, चार ट्रायंगल, पांच ट्रायंगल, छह ट्रायंगल, ठीक है ना। और फिर देखिए दोस्तों आपका ये एक ऐसा बनेगा, एक ट्रायंगल बनेगा इधर वाला, ऐसे एक ट्रायंगल इधर वाला बनेगा नीचे से, ऐसे एक आपका ये बन जाएगा, तो चार आपके ये बन जाएंगे, तो छह चार दस हो गए, और एक बड़ा वाला ट्रायंगल इसमें अंदर और एक ये वाला ट्रायंगल आपका, तो टोटल 12 ही हो जाएंगे। ठीक है ना, चलिए वेरी गुड क्लास, बहुत बढ़िया। अगला क्वेश्चन देखिए दोस्तों, पेपर में जो है आपके कई सारे क्वेश्चन ऐसे आएंगे जो एकदम समझ में नहीं आएंगे, जैसे कि इसको देखिए। मैं जानता हूं कि क्लास में ऐसे कई स्टूडेंट होंगे जिनको इस वाले क्वेश्चन में बहुत प्रॉब्लम आती है, अक्सर मैंने देखा है उनसे ये कुछ पेन गिलास है, ये आपको क्या दिया गया, देखिए कुछ कुछ होता है, कुछ पेन आपके गिलास है, ये आपका आई हो जाएगा, और सभी गिलास दीवार है, ये आपका ए हो जाएगा। तो आई और ए आपका क्या होता है, इसको नोट कर लीजिए दोस्तों, आपका यहां पर फॉर्मूला है आई और ए आपका आई होता है, ठीक है ना। तो पहले वाले का ऑब्जेक्ट दूसरे वाले का सब्जेक्ट, ये कैंसिल हो जाएगा, आपका आ जाएगा कि कुछ पेन दीवार है, तो कुछ पेन दीवार है, तो कुछ दीवार पेन होंगी, यानी कि पहला वाला तो आपका सही हो गया, पहला वाला आपका बिल्कुल राइट हो जाएगा। अब चेक करना है क्या दूसरा सही है, देखिए सभी ग्लास दीवार है और हम ए को आई में बदल सकते हैं,
सभी ग्लास दीवार हैं, तो कुछ दीवार ग्लास होंगी, आपका दूसरा भी सही हो जाएगा। तो पहला भी सही है, आपका दूसरा भी सही है, तो आपका सही जवाब क्या होगा? बोथ कंक्लूजंस फर्स्ट एंड थर्ड फॉलो। ओके दोस्तों, तो आपका सही जवाब क्या होगा? सेकंड हो जाएगा। दोनों ही आपके बिल्कुल राइट है, पहला वाला भी सही है और आपका दूसरा वाला भी बिल्कुल राइट होगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। अब आपके एग्जाम में एक आएगा फिगर ओपन डाइस का, इसको क्या बोलते हैं? ओपन डाइस, ठीक है ना। तो एक पासे को ओपन फॉर्म में दिया गया होगा और आपसे क्या पूछेंगे? दो बातें पूछेंगे। देखिए आपके एग्जाम में केवल दो बातें आपसे पूछेंगे कि कौन, अगर इसको मोड़े हम लोग, ये जो आपको एक डिजाइन दिया गया है ये वाला, अगर मैं इसको फोल्ड करें तो फोल्ड करने पर ये कौन सी आकृति आपकी बनेगी, कौन सा पासा नहीं बनेगा। या तो पूछेंगे कि कौन सा बनेगा या फिर पूछेंगे कौन सा नहीं बनेगा। तो दोस्तों देखिए, आप लोग को बताते हैं कैसे लगाएंगे। एक्स, एक्स का उल्टा क्या है? एक्स का उल्टा आपका जेड हो जाएगा। तो एक्स के अपोजिट क्या आ रहा है? आपका जेड आ रहा है, ठीक है। ऐसे आप लोग देखिए, देखिए वाई, वाई के अपोजिट आपका क्या आ रहा है? पी आ रहा है, ठीक है दोस्तों। वाई के अपोजिट आपका क्या है? वाई के अपोजिट आपका पी है। अब क्यों दे रखा है? क्योंकि अपोजिट आपका आर है, क्योंकि अपोजिट आपका आर है। अब देखिए पहला वाला, आपको बताना है क्या इसमें? आपको ये बताना है कि कौन सी उत्तर आकृति प्रश्न आकृति में दी गई आकृति को मोड़कर बनाई जा सकती है। तो जो बनाई जा सकती है वो आपको निकालना है। तो दोस्तों देखिए, पहला ऑप्शन चेक कीजिए, पहला वाला एक्स जेड क्यू, तो एक्स और जेड साथ में नहीं आएंगे, लेकिन यहां पर साथ में रखा है तो पहला वाला आपका गलत हो गया। एक्स आर क्यू, तो दोस्तों क्यू और आर, देखिए दोस्तों क्यू और आर साथ में दिया गया तो ये वाला भी गलत हो गया। क्यू और आर दे रखे साथ में तो ये भी गलत हो जाएगा। जेड वाई पी, तो दोस्तों इसमें क्या आपका पी और वाई दे रखा है आपको, पी वाई साथ में नहीं आएगा तो ये भी गलत हो गया। अब इसमें देखिए आपका एक आपका आर है, ये आर आपका अलग है, एक आपका पी है, आपका पी अलग है, एक आपका एक्स है, एक्स आपका अलग है, ठीक है ना। कोई भी आपका कोलैप नहीं हुआ, तीनों हमने जो पॉइंट लिए ना, तीनों तीनों मेरे अलग अलग पॉइंट से आ रहे हैं। एक पहली लाइन से है तो एक दूसरी लाइन से है, एक तीसरी लाइन से है, कोई भी ऐसा नहीं है जो दोनों एक ही लाइन से आ रहा है। जैसे कि यहां पर पी वाई आ गया था या एक्स जेड आ गया था या क्यू आर आ गया था, तो तभी मैंने बताया कि ना तो पहला सही है, ना दूसरा, ना तीसरा, केवल आपका सही जवाब कौन सा होगा? चौथा वाला हो जाएगा, ठीक है ना। परम सत्य आंसर होगा आपका ऑप्शन डी। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, इसको बताइए। दी गई उत्तर आकृतियों में से उस उत्तर आकृति को चुनिए जिसमें आपकी प्रश्न आकृति निहित है, तो इसका सही जवाब क्या होगा? चलिए दोस्तों बताइए, ये वाला डिजाइन आपका कहां बन रहा है? एक आपका ऊपर इस तरीके से जारी लाइन बड़ी सी, एक छोटी लाइन है और एक ये इस तरीके से डिजाइन बना हुआ है, तो आपका सही जवाब क्या होगा बताइए। देखते हैं कहां, हाँ ये देखिए, इसमें देखिए दोस्तों, यहां पर आपको दिख जाएगा ये वाला जो फिगर आपको यहां पर दिया गया है। और इसमें अगर हम बात करेंगे परम सत्य आंसर की, तो इसको देखिए आपका सही जवाब क्या होगा। देखिए ये आपकी लाइन ऊपर जा रही है दोस्तों, देखिए ये ऊपर जा रहा है, ये नीचे है और ये मिला दिया मैंने इसको सी वाले ऑप्शन को, तो ऑप्शन सी वाले जरा जूम करना भैया, तो ऑप्शन सी वाले अगर आप लोग देखेंगे तो दोस्तों देखिए बिल्कुल सेम जो मैंने आपको पढ़ाया ना, अभी आपको बताया सेम बिल्कुल यहां पर दिया गया, एक लाइन बड़ी है, एक लाइन आपकी छोटी है और ये इस तरीके से तिरछी लाइन मिल रही है, तो आपका राइट आंसर क्या होगा? इसका परम सत्य आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन सी, ठीक है ना। तो बिल्कुल दोस्तों जिनका भी आंसर सी आ रहा है बिल्कुल राइट होगा, वेरी गुड। अब दोस्तों हम बात करेंगे यहां पर जीके की। ओके दोस्तों, जीके में दोस्तों पेपरों का लेवल, प्रश्नों का स्तर कैसा रहेगा, कैसे क्वेश्चन आएंगे देखिए। सबसे पहला क्वेश्चन आपको दिया गया, निम्नलिखित में से किसमें विटामिन सी की मात्रा सबसे ज्यादा होती है? क्या आप लोग जानते हैं विटामिन सी सबसे ज्यादा किसमें होता है? आपको दोस्तों बताना है कि विटामिन सी सबसे ज्यादा किसमें होता है? शिमला मिर्च खाओगे तो मिलेगा, टमाटर में, अंगूर में या फिर नींबू में? देखिए विटामिन सी पता है किसमें होता है? जो खट्टी चीजें होती हैं, खट्टे फलों में, जैसे कि संतरा हो गया, आंवला हो गया, नींबू हो गया, तो इसमें विटामिन सी मिलेगा। विटामिन सी की कमी से इसकर भी रोग होता है। ओके बिल्कुल तोड़ देंगे, फोड़ देंगे इस बार, सिलेक्शन तो आपको दिलवा कर रहेंगे। अब आपको सिलेक्शन चाहिए है तो ध्यान से आप लोग पढ़ते रहिए। तो 76 क्वेश्चन का आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी होगा आपका, नींबू। डॉली कौन है दोस्तों? डॉली, डॉली एक प्रतिरूपी किसका एग्जाम्पल है? देखिए डॉली के बारे में मैंने कई बार चर्चा की है, डॉली एक आपका क्लोन था भेड़ का, डॉली जो एक तरीके की भेड़ का क्लोन था, डॉली वॉज एन एग्जाम्पल ऑफ क्लोन्ड शीप। चलिए बिना समय गवाए पढ़ेंगे आगे दोस्तों। अब आपको बताना है विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ कोल्ड ब्लडेड एनिमल, तो दोस्तों किसका ब्लड ठंडा होता है? बंदर का, चूहे का,
सांप का, भेड़िए का, दो टाइप के जीव होते हैं। एक तरीके के जीव होते हैं जिनका ब्लड गर्म होता है, जैसे कि हम लोग इंसानों का खून गर्म रहता है दोस्तों, भाई आपका बंदर हो गया, चूहा हो गया, भेड़िया हो गया। लेकिन रेप्टाइल्स की अगर हम बात करेंगे, ठीक है ना, तो ये जो आपका सांप दिया गया है, सांप कैसा एनिमल है, सांप इज अ कोल्ड ब्लडेड एनिमल। तो जिनका भी आंसर यहां से आ रहा है आपका स्नेक, बिल्कुल राइट हो जाएगा, वेरी गुड। अब दोस्तों एक क्वेश्चन की बात करेंगे तो आपका सही जवाब क्या होगा इसको बताइए। दोस्तों निम्नलिखित में से कौन सी ग्रंथि वृद्धि हार्मोन का निषेप करती है, जो हमारी बॉडी के अंदर जो वृद्धि होती है ना, तो कौन सी ऐसी ग्लैंड्स है, कौन सी ऐसी ग्रंथि है जो वृद्धि हार्मोन का रिसाप करती है? एड्रिनल, पिट्यूटरी ग्लैंड्स, आपका गोनट्स, या फिर आपका होगा पैनक्रियास। ये एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है साइंस का और आपके एग्जाम में कई बार रिपीट हो चुका है, ठीक है। चलिए 79 क्वेश्चन का आपका सही जवाब होगा पीयूष ग्रंथि। पीयूष ग्रंथि एक अंतःस्रावी ग्रंथि है जो शरीर की विभिन्न कोशिकाओं के लिए हार्मोन की अधिक मात्रा का उत्सर्जन करती है और इस ग्रंथि से बच्चों की लंबाई में वृद्धि के लिए जाना जाता है। जो बच्चों की लंबाई बढ़ती है ना, तो ये किससे बढ़ती है आपका, कौन सा रिसाप करती है वृद्धि हार्मोन्स, ये है आपकी पिट्यूटरी ग्लैंड्स। तो जिनका भी आंसर यहां से आ रहा है पिट्यूटरी ग्लैंड्स, बिल्कुल राइट होगा। इस ग्रंथि को बच्चों की लंबाई में वृद्धि के लिए जाना जाता है। चलिए अब बढ़ेंगे आगे, आज का अगला क्वेश्चन आपके सामने है, इसको बताइए। जेट इंजन, दोस्तों जेट जो इंजन होता है, जेट इंजन ये किसके संरक्षण के सिद्धांत पर कार्य करता है? ऊर्जा का संरक्षण, द्रव्यमान संरक्षण, रैखिक संवेग संरक्षण, या फिर कोणीय संवेग। तो 80 क्वेश्चन का आपका राइट आंसर हो जाएगा लीनियर मोमेंटम, ठीक है। तो आपका सही जवाब क्या होगा, लीनियर मोमेंटम। तो जेट इंजन में ईंधन के दहन द्वारा उत्पन्न गैस की विशाल मात्रा को जेट इंजन के द्वारा पीछे की दिशा से निकलने दिया जाता है और अत्यधिक तीव्र गति और वेग के कारण पीछे की ओर जाने वाली गैस का संवेग ज्यादा होता है और ये गैस जेट इंजन को समान और विपरीत संवेग प्रदान करती है। तो जिनका भी आंसर यहां से आ रहा है लीनियर मोमेंटम, लीनियर मोमेंटम जिसका भी आंसर आ रहा है बिल्कुल राइट होगा। तो आपका सही जवाब क्या होगा, लीनियर मोमेंटम। देखिए मेरी क्लास में मैं देख पा रहा हूं कुछ लोग जो है मुझे अजीब अजीब शब्दों का प्रयोग कर रहे हैं। मैं जानता हूं दोस्तों मैं आपके लिए भले ही पागल हूंगा, कुछ भी मैं हूं आपके लिए, लेकिन मैं जो कंटेंट आपको दे रहा हूं ये आपका बिल्कुल 100% आपके लिए इंपॉर्टेंट है। आप बेशक हो कि आप मुझसे कुछ भी कहिए, मैं बहुत बुरा हूं आपके लिए, लेकिन जो मैं आपको पढ़ा रहा हूं ये आपके लिए बहुत अच्छा है। मैं अच्छा नहीं हूं, लेकिन मैं जो बता रहा हूं आपको ना, ये चीज आपके काम में आएगी। आप बाद में मुझे चाहे कुछ भी कह लीजिएगा, ठीक है। चलिए बाकी आपको जो अच्छा लगे वो आप मुझसे कह सकते हैं। अब आपका क्वेश्चन आपको क्या दिया गया है इसको बताइए। एक पतीले में पानी के स्तर में क्या परिवर्तन आएगा जब उसमें तैरता हुआ बर्फ का टुकड़ा पिघल जाएगा? मैं चाहूंगा कि आप भी आकर यहां पर पढ़ाइए और फिर देखिए दोस्तों क्या रहता है रेस्पॉन्स बच्चों का आपके सामने, क्या आप उनको हैंडल कर पाएंगे बताइए। तो दोस्तों चलिए आप लोग बताइए आपका सही जवाब क्या होगा इसको बताइए। एक पतीले में पानी के स्तर में क्या परिवर्तन आएगा जब उसमें तैरता हुआ बर्फ का टुकड़ा पिघल रहा हो? तो दोस्तों चलिए आपको बताते हैं 81 क्वेश्चन का आपका सही जवाब क्या होगा, समान रहेगा। दोस्तों एक बर्तन आपका है, ओके ना, एक आपका बर्तन यहाँ पर आपको दिया गया है और इस बर्तन में आपका पानी भरा हुआ है और इसमें आपके बड़े बड़े जो है बर्फ के टुकड़े हैं, ये आपके आइस क्यूब पड़े हुए हैं। तो दोस्तों अगर ये जो है आपका पानी का स्तर क्या होगा, अगर इसमें बर्फ का टुकड़ा पिघल जाएगा, तो अगर ये टुकड़ा पिघल भी जाएगा ना, तो भी जो है लेवल पानी का बिल्कुल रिमेन सेम रहेगा, बिल्कुल समान रहेगा। इसका परम सत्य आंसर आपका क्या आएगा, ऑप्शन सी आ जाएगा। अब बढ़ेंगे आगे, आज का अगला क्वेश्चन देखिए इसको बताइए, ठीक है ना। बाकी दोस्तों ये तो संस्कारों की बात है, आपको जो अच्छा लगे वो आप कर सकते हैं, बाकी मुझे बुरा नहीं लगता। आप लोग का जो प्यार है या जो नफरत है कुछ तो कम से कम आप लोग हमसे करते ही हैं, मुझे बिल्कुल भी बुरा आपकी बातों का नहीं लगता है। लेकिन अगर आपको किसी भी बात का घमंड है दोस्तों, तो वो चीज अच्छी नहीं रहेगी, वो आपके फ्यूचर को बेकार करेगी, आपकी छवि यहां पर बेकार प्रतीत हो रही है, सही बात है ना। अगर आप किसी को गलत कह रहे हो तो आपकी छवि तो यहाँ पर गलत प्रतीत हो रही है यहाँ पर सबके सामने, तो आप अपने ऊपर ध्यान दीजिए। दोस्तों अब आपको यहाँ पर क्या बताना है, निम्नलिखित में से कौन सी मात्रा जो है जड़त्व का माप है, जैसे कि गति है, त्वरण है, द्रव्यमान है, या फिर आपका भार है, ठीक है। चलिए मैं ईश्वर से दुआ करूंगा कि आपको कामयाबी दे और फिर आपके जूनियर आपको मिले, ठीक है ना, उसके बाद आपको सब कुछ क्लियर हो जाएगा। 82 क्वेश्चन की बात करेंगे दोस्तों। जड़त्व को किसी वस्तु की गति की अवस्था में परिवर्तन के प्रतिरोध के रूप में
परिभाषित किया जाता है। तो आपका सही जवाब क्या होगा 82 क्वेश्चन का, ऑप्शन सी होगा आपका मास यानी कि द्रव्यमान। तो जिनका भी आंसर यहां पर द्रव्यमान आ रहा है बिल्कुल राइट होगा। अब पढ़ेंगे आगे आज का अगला क्वेश्चन, देखिए इसको बताइए दोस्तों कौन सा यंत्र कंपन करते हुए तार के नियमों का अध्ययन करने के लिए इस्तेमाल होता है। चलिए अब आपको बता दें यहां से आपका सही जवाब क्या होगा, इसको देखिए। तो मेरे प्यारे मित्रों कौन सा यंत्र कंपन करती हुई तार के नियमों का अध्ययन करने के लिए इस्तेमाल होता है? द्रव घनत्व मापी, सोनोमीटर, आपका रक्तदाब मापी या फिर आपका होगा विद्युत मापी। तो 83 क्वेश्चन का आपका सही जवाब क्या होगा, ये होगा सोनोमीटर। ठीक है दोस्तों, तो जिनका भी आंसर सोनोमीटर आ रहा है बिल्कुल राइट होगा। अब पढ़ेंगे आगे आज का अगला क्वेश्चन, देखिए इसको बताइए मेरे प्यारे साथियों। अब आपको यहां पर क्या बताना है ध्यान दीजिएगा, निम्नलिखित में से कौन सा एक आपका वर्ड प्रोसेसर नहीं है? दोस्तों क्या आप लोग जानते हैं क्या वर्ड प्रोसेसर? देखिए जो आपके सुमित सर है ना वो कंप्यूटर को बहुत अच्छी तरीके से आपको पढ़ा रहे हैं, आपको साइंस भी पढ़ा रहे हैं। तो मैं आपको बता दूं वर्ड प्रोसेसर, वर्ड प्रोसेसर में आपका माइक्रोसॉफ्ट वर्ड है, एक्सेल है, पावर पॉइंट है, ये सब कुछ आता है। बट इसमें क्या चीज नहीं आती है? तो 85 क्वेश्चन की अगर हम बात करेंगे तो सही जवाब होगा माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल, यहां पर आपको दिया गया है। ठीक है ना, तो चलिए आपको बताते हैं। वर्ड प्रोसेसर एक इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस या कंप्यूटर सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन है जो डॉक्यूमेंट की कंपोजिंग, एडिटिंग, फॉर्मेटिंग, प्रिंटिंग ये सारे कार्य करता है। इसमें आपका माइक्रोसॉफ्ट वर्ड है, परफेक्ट है, वर्ड स्टार है। लेकिन अगर हम बात करेंगे एक्सेल की, दोस्तों जो आपको एक्सेल दिया गया ना, एक्सेल यहां पर थोड़ी ना हम लोग कुछ लिखते हैं, डिजाइन करते हैं। एक्सेल में हम लोग क्या करते हैं, एक्सेल में कैलकुलेशन करते हैं दोस्तों, स्प्रेडशीट होता है। एक्सेल में आपकी क्या होती है, स्प्रेडशीट होती है, स्प्रेडशीट। इसमें आप लोग कैलकुलेशन कर सकते हैं, आप लोग ग्राफिंग टूल्स है, पिवट टेबल्स, आप लोग इसमें टेबल बना सकते हैं, अपना पूरा डेटा को रिप्रेजेंट करा सकते हैं। लेकिन इसमें आपका कंपोजिंग, एडिटिंग, फॉर्मेटिंग, प्रिंटिंग ये चीज आपका अलग इसमें नहीं होगा। तो सबसे अलग क्या है इसमें, सबसे अलग जो आपका दिया गया है वो आपका एक्सेल है, क्योंकि एक्सेल आपका बिल्कुल अलग है। ठीक है, तो जिनका भी आंसर आ रहा है एक्सेल, एक्सेल में क्या होती है, आपकी शीट होती है, शीट। अब बढ़ेंगे आगे आज का अगला क्वेश्चन, देखिए निम्नलिखित में से किस में सिलिकॉन का उपयोग नहीं किया जाता है? सोलर पैनल, आईसी मैन्युफैक्चरिंग, ऑप्टिकल ग्लास या फिर आपका होगा इंक पेन। तो दोस्तों चलिए आपको बता दें 86 क्वेश्चन का आपका सही जवाब क्या होगा, फोर्थ वाला पॉइंट बिल्कुल राइट होगा, इंक पेन। तो दोस्तों इंक पेन में कभी क्या आप सिलिकॉन का यूज करोगे, आप ऑप्टिकल फाइबर में कर सकते हो, जो सोलर पैनल आते हैं उसमें कर सकते हो आप लोग, और जो आपके आईसीज आती है, आईसीज तो मोस्टली सिलिकॉन की बनी होती है, इंटीग्रेटेड सर्किट। आईसी का मतलब क्या होता है, आई फॉर इंटीग्रेटेड, सी फॉर सर्किट, आईसी भी आपकी जो सिलिकॉन की बनाई जाती है। तो इंक पेन में कभी भी आप सिलिकॉन का यूज नहीं करेंगे। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि निम्नलिखित में से किसका उपयोग परमाणु भट्टी में नियंत्रक छड़ों की तरह किया जाता है? सोडियम, यूरेनियम, ग्रेफाइट, बोरॉन, चलिए बताइए, सभी लोग बताएंगे। आज की क्लास बहुत ही इंपॉर्टेंट है, तो प्लीज वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, मिलकर सपोर्ट कीजिएगा। तोड़ देंगे, फोड़ देंगे, लेकिन इस बार सिलेक्शन लेकर आएंगे, आग लगा देंगे, धुआं धुआं कर देंगे, गर्दा गर्दा उड़ा देंगे, लेकिन सिलेक्शन तो हम लेकर रहेंगे। तो मेरे देश के सिपाहियों ध्यान से पढ़ लो एक एक क्वेश्चन को, ऐसे क्वेश्चन पेपर में पूछे गए हैं। बोरान, अगला क्वेश्चन देखिए, बारूद बनाने के लिए, उड़ा देंगे दोस्तों यहां पर, बारूद देखते हैं दोस्तों, बारूद बनाने के लिए निम्नलिखित में से किसका उपयोग किया जाता है? बारूद बनाने के लिए किसका उपयोग होता है? तो 88 क्वेश्चन का आपका सही जवाब होगा नाइट्रोग्लिसरॉल का। तो दोस्तों पढ़ लो आप लोग, बारूद बनाने के लिए किसका उपयोग होता है, नाइट्रोग्लिसरॉल का। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से किसे व्यावसायिक नाइट्रिक अम्ल को रंगीन करने के लिए उसमें मिलाया जाता है? आपका कार्बन डाइऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड, रंगीन मिलावट या फिर आपका हो जाएगा नाइट्रोजन डाइऑक्साइड। तो 89 क्वेश्चन का आपका, अच्छा डेट बतानी है, एक मिनट रुकिए, आपको मैं सेटिस्फाई कर दूं दोस्तों, एक मिनट रुकना आप लोग, मैं अभी आपको बताता हूं कि आज मैं जो पेपर आपके लिए लेकर आया हूं, ये आपका कल वाला पेपर का आधा पेपर बचा था वो मैं करा रहा हूं। तो आज का जो पेपर आपका जो मैं करा रहा हूं, 2 जुलाई 2017 लिखा हुआ है इसमें, शिफ्ट एक है। और बात करेंगे पेपर के नाम की, तो ये पेपर जो मैं आज करा रहा हूं आपको, SSC CAPF ASI एंड दिल्ली पुलिस SI का पेपर है आपका। ठीक है ना, तो मैं आज जो SI का पेपर करा रहा हूँ, ये आप लोग देख सकते हो, SSC CAPF ASI
दिल्ली पुलिस एसआई का पेपर है, जो पेपर आपका 2 जुलाई को हुआ था, शिफ्ट एक में, मॉर्निंग शिफ्ट में आपका पेपर हुआ था। चलिए तो दोस्तों आपको बताते हैं यहाँ से 89 क्वेश्चन का आपका सही जवाब क्या हो जाएगा, आइए जानते हैं। तो जिनका भी क्लास में आंसर आ रहा है ऑप्शन डी नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, बिल्कुल राइट होगा, सही जवाब होगा आपका नाइट्रोजन डाइऑक्साइड। अब बढ़ेंगे आगे, एक तरफ आपके उद्यान है और एक तरफ जानवर है, जैसे कि आपका कान्हा नेशनल पार्क, काजीरंगा, गिर, तो गिर में क्या मिलेगा, गिर गुजरात में है, यहाँ पर क्या पाओगे आप लोग। तो 90 क्वेश्चन की बात करेंगे, जैसे कि कान्हा में आपको बाघ मिल जाएंगे, कान्हा की अगर हम बात करेंगे, कान्हा जो है मध्य प्रदेश का सबसे बड़ा नेशनल पार्क है और भारत में टाइगर रिजर्वों में से एक है। काजीरंगा असम के गोलाघाट में नगांग जो है जिले में फैला हुआ नेशनल पार्क है, जो एक सींग वाले गेंडे के लिए फेमस है। काजीरंगा किसके लिए फेमस है, एक सींग वाले गेंडे के लिए है, और गिर गुजरात में है और ये शेर के लिए पॉपुलर है। कान्हा बाघ के लिए, काजीरंगा गेंडों के लिए, और गिर शेरों के लिए। तो आपका सही जवाब हो जाएगा शेरों और शेरनियों, बी ए और सी। चलिए अब बढ़ेंगे आगे, आज का अगला क्वेश्चन आपके सामने है, इसको आप लोग बताइएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके सामने है। देखिए निम्नलिखित में से कौन सा एक वायु प्रदूषक है, दोस्तों क्या आप लोग जानते हैं निम्नलिखित में से कौन सा एक आपका वायु प्रदूषक है, जैसे कि जलवाष्प, क्या जलवाष्प में गंदगी होती है, कार्बन डाइऑक्साइड, हाइड्रोजन गैस, तो किससे होगी हमारी वायु प्रदूषित, आइए आपको समझाते हैं। 92 क्वेश्चन में आपका सही जवाब दिया गया ऑप्शन बी है, केवल कार्बन, कार्बन डाइऑक्साइड ये प्रदूषित करती है हमारे वायुमंडल को, जलवाष्प कोई मतलब नहीं है, ये पानी, ये जो आपका पानी होता है गर्म होता है, आपका वेपराइज हो जाता है, फिर पानी भर जाता है तो बात खत्म, हाइड्रोजन से भी नुकसान नहीं है, लेकिन जो कार्बन डाइऑक्साइड है ना ये नुकसानदायक है, ये हमारे एटमॉस्फेयर वायु को नुकसान पहुंचाती है। अब बढ़ेंगे आगे, आज का अगला क्वेश्चन देखिए, इसको बताइए निम्नलिखित में से कौन सी नागरिक उड्डयन मंत्रालय द्वारा बोर्डिंग पास और सुरक्षा चेक इन को डिजिटल बनाने के लिए प्रस्तावित पहल है, डिजी यात्रा, डिजी उड़ान, डिजी सेवा, डिजी यात्री। ओके, तो आपका सही जवाब हो जाएगा डिजी यात्रा। तो दोस्तों ध्यान दीजिएगा आप लोग तो आपका सही जवाब यहां से हो जाएगा डिजी यात्रा है, जिनका भी आंसर डिजी यात्रा है बिल्कुल राइट होगा। चलिए अब बढ़ते हैं हम लोग यहां से आगे, निम्नलिखित में से किसने काल मापी का आविष्कार किया था, दोस्तों निम्नलिखित में से किसने काल मापी का आविष्कार किया, जॉन हैरिसन, विलियम हार्वे, फ्राइज ग्रीन, रॉबर्ट कोच। 94 क्वेश्चन की बात करेंगे, स्वायत्त शिक्षित इंग्लिश काष्ठकार और घड़ी साज जॉन हैरिसन ने समुद्र की यात्रा करते समय, जो आपका समुद्र होता है तो इन समुद्रों की यात्रा करते समय देशांतर रेखा की गणना में आने वाले समस्या का समाधान करने के लिए एक लंबे अनुसंधान के बाद समुद्री क्रोनोमीटर यानी कि काल मापी का आविष्कार किया, किसने किया था, जॉन हैरिसन ने। काल मापी का आविष्कार किसने किया, काल मापी का जो आविष्कार किया है जॉन हैरिसन ने किया है। अगला क्वेश्चन देखिए, कैलिवर जो है किस खेल से संबंधित है, यू नो एवरीवन, कैलिवर इज रिलेटेड टू विच स्पोर्ट, शूटिंग, साइकिलिंग, बेसबॉल, या फिर आपका हो जाएगा गोल्फ। तो 95 क्वेश्चन का आपका सही जवाब हो जाएगा, आपका पहला हो जाएगा शूटिंग। तो जिनका भी आंसर शूटिंग आ रहा है बिल्कुल राइट हो जाएगा। अब बढ़ेंगे आगे, दोस्तों क्या आप जानते हैं ऑल सोल्स डे, ऑल सोल्स डे इज अ फेस्टिवल, यू नो बुद्धिज्म, जैनिज्म, क्रिश्चियन, मुस्लिम, दोस्तों एक फेस्टिवल मैं आज आपको बता रहा हूँ, ये फेस्टिवल आप लोगों में से शायद किसी ने पढ़ा हो, ऑल सोल्स डे, सोल का मतलब होता है आत्मा, सोल का मतलब होता है आत्मा। तो 96 क्वेश्चन का आपका सही जवाब क्या हो जाएगा, ईसाई धर्म में मृतक का सम्मान करने के लिए निर्धारित सभी लोग आत्मा दिवस एक पवित्र दिवस के रूप में मनाते हैं, ये सभी आत्माओं, पवित्र आत्माओं, विश्वास योग्य पवित्र आत्माओं के प्रस्थान करने की याद दिलाता है, तो ये मनाते हैं क्रिश्चियन लोग। ऑल सोल डे कौन सा धर्म मनाता है, ये धर्म आपका है क्रिश्चियन का, तो इसको आप लोग याद रखिएगा, आत्मा क्रिश्चियन। अगला क्वेश्चन देखिए दोस्तों, एक पहले का क्वेश्चन आपके पेपर में पूछा गया था, पुरस्कार वाला ही है, निम्नलिखित में से कौन संगीत कला के क्षेत्र में 2017 के पद्म विभूषण प्राप्त करता है, हालांकि ये क्वेश्चन आपके लिए इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन फिर भी इंपॉर्टेंट इसलिए है क्योंकि ऐसे क्वेश्चन आपके पेपर में आते हैं, जैसे कि यहां पर 2017 है तो आपको क्या करना है, 2019 के जो पुरस्कार हैं और 2020 के जो पुरस्कार हैं, आपके भारत रत्न हो गया, पद्म विभूषण हो गया, पद्मश्री हो गया, तो इसको पढ़ लीजिएगा आप लोग, ठीक है ना। तो आपका सही जवाब क्या हो जाएगा इसको बताइए,
हाँ, तो 97 क्वेश्चन का आपका सही जवाब होगा आपका येसुदास, के जे येसुदास, बिल्कुल राइट होगा। चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन आपके सामने है, किस देश ने अप्रैल 2017 में अफगानिस्तान पर सबसे विशालतम गैर परमाणु हथियार गिराया था? तो अभी दोस्तों 2017 में क्या हुआ था, जो आपका अफगानिस्तान है ना, अफगानिस्तान, तो इस पर क्या किया गया, सबसे विशालतम एक गैर परमाणु हथियार गिराया, किसने गिराया, रशिया, फ्रांस, अमेरिका या फिर सीरिया ने? तो 99 क्वेश्चन का आपका सही जवाब होगा अमेरिका, ये काम करता है आपका, अमेरिका ने गिराया था। और ये दोस्तों आपका अगला क्वेश्चन आपके सामने है, इसको बताइए, मुक्ति योद्धा छात्रवृत्ति योजना के अंतर्गत भारत और किस देश के स्वतंत्रता सेनानियों के बच्चों को 35 करोड़ रुपए देगा, पाकिस्तान, बांग्लादेश, श्रीलंका या फिर नेपाल? तो 100 क्वेश्चन का आपका सही जवाब क्या होगा, बांग्लादेश। तो दोस्तों जिनका भी आंसर बांग्लादेश आ रहा है बिल्कुल राइट हो जाएगा, ध्यान से आप लोग पढ़िएगा और प्लीज वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। हाँ, मैं आपको सब कुछ बताऊंगा, चिंता मत कीजिए। अभी हमारी जो सामान्य ज्ञान की खान है ना, सामान्य ज्ञान की खान बनाएगी आपको पहलवान, उसमें मैं आपको पुरस्कार ही पढ़ा रहा हूँ, हमारा टॉपिक ही शुरू हुआ है अवार्ड वाला, तो उसमें मैं सारे अवार्ड आपको पढ़ाऊंगा। अब बढ़ेंगे आगे, अगला क्वेश्चन देखिए, कंप्यूटर। दोस्तों अब मैं दोस्तों जो है 10 क्वेश्चन करीब करीब जो आपके साथ कंप्यूटर के डिस्कस करूंगा, देखते हैं कितने क्वेश्चन आप लोग सही बता पाएंगे। यू नो सेलेक्ट द यूनिट ऑफ मिनिमम मेमोरी साइज, तो आपका सही जवाब क्या होगा, चलिए मेरे प्यारे मित्रों आप सभी लोग बताइए कि यहां से आपका करेक्ट आंसर आपका क्या होगा, ऑप्शन ए, बी, सी या फिर डी। देखिए अगर हम बात करेंगे 101 क्वेश्चन की, तो आपका सही जवाब हो जाएगा केबी। तो सो केबी जो है सबसे छोटी है, बाकी आपका एमबी बड़ी है, उससे बड़ी जीबी है, सबसे बड़ी टीबी है। तो दोस्तों चलिए आपको बता दें, यहाँ से 1 टेराबाइट में आपके 1024 जीबी होती हैं, 1 जीबी बराबर आपकी जो है 1024 एमबी होती है, 1 एमबी बराबर जो आपकी होती है 1024 केबी होती है, और 1 KB बराबर आपका जो है 1024 बाइट्स होती है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, बाइनरी भाषा कितने अंकों की बनी होती है? दोस्तों जो बाइनरी डिजिट होती है केवल 0 और 1 को समझती है, तो जो आपकी बाइनरी भाषा होती है केवल आपकी 0 और 1 केवल 2 डिजिट की होती है, तो ये केवल 2 अंकों की बनी होती है, 0 और 1। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, इसको बताइए, 1 MB किसके बराबर होती है? तो 1 MB में आपकी 1024 KB होती है। तो मैंने परम सत्य आंसर पहले बता दिया इसका। तो दोस्तों तीसरे क्वेश्चन का परम सत्य जवाब क्या होगा, ऑप्शन ए होगा, 1 MB में 1024 KB होती है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, आपको बताइए, सर आवाज नहीं आ रही है दोस्तों, हेलो हेलो, माइक टेस्टिंग, आवाज आ रही है आपको? अब तो फिर प्रॉब्लम आ गई आवाज की, अब तो मैंने कुछ किया भी नहीं है यहाँ पर, पहले तो डबल माइक लगे थे तो आपको डबल साउंड सुनाई दे रहा था, अब तो मैंने हटा दिया, यहां पर एक ऑफ कर दिया है, अब आप लोग चेक कीजिए आवाज क्लियर आनी चाहिए सभी को। अगला क्वेश्चन देखिए, 1024 केबी किसके बराबर होती है? 1024 केबी 1 MB के बराबर होती है। तो फोर्थ क्वेश्चन का आपका सही जवाब होगा ऑप्शन ए। अगला क्वेश्चन देखिए, कंप्यूटर की मेमोरी का मापन किया जाता है किसके द्वारा, बिट्स के द्वारा, आपका ओम्स के द्वारा, एम्पियर द्वारा या फिर वोल्टास के द्वारा? दोस्तों यू नो द मेमोरी ऑफ द कंप्यूटर इज मेजर्ड बाय बिट्स, ओम्स, एम्पियर्स या फिर बोल्ट्स हो जाएगा। तो फिफ्थ क्वेश्चन का आपका सही जवाब क्या होगा, इसको बताइए। तो फिफ्थ क्वेश्चन का सही जवाब होगा बिट्स, जो मेमोरी होती है ना यहाँ पर, तो आप लोग को बता दें यहाँ से आपका सही जवाब क्या होगा, ध्यान दीजिएगा। देखिए कंप्यूटर की स्मृति का जो मापन किया जाता है ये बिट्स में करते हैं, तो जिनका भी आंसर बिट्स आ रहा है बिल्कुल राइट होगा, वेरी गुड क्लास। अगला क्वेश्चन देखिए आपके सामने, आपको क्या दिया गया है इसको बताइए, कंप्यूटर में शब्द की लंबाई नापी जाती है कैसे, बिट्स में, शब्द की लंबाई किसमें मेजर करते हैं, बिट्स में करते हैं। अच्छा दोस्तों ये देखिए ब्लूटूथ, दोस्तों जब पहली बार जब ब्लूटूथ आया था ना तो एकदम मार इस जो क्या होता था पहले होता क्या था दोस्तों, जब ब्लूटूथ आया था तो दूसरों के मोबाइल में सॉन्ग वगैरह होते थे, गाने वगैरह होते थे, ठीक है ना, फोटोज वगैरह होते थे, तो उनसे जो बिना किसी तार लगाए हम लोग सीधे अपने में सेंड करवा लेते थे। तो ब्लूटूथ टेक्निक क्या चीज अनुमति करने क्या चीज जो है अलाउ करती है, ब्लूटूथ टेक्निक जो है अनुमति देती है क्या चीज करने की, तो
तो नाइन्थ क्वेश्चन की बात करेंगे तो आपका सही जवाब क्या हो जाएगा। देखिए तो मेरे प्यारे साथियों आपको समझाते हैं, ब्लूटूथ एक वायरलेस अभिकरण है जिसके माध्यम से हम बहुत सारी चीजें डिजिटल उपकरणों जैसे कि कंप्यूटर आदि के अंदर एक लघु रेडियो ट्रांसमीटर लगा दिया जाता है जिसकी सहायता से सूचनाओं का आदान प्रदान करना संभव हो पाता है। तो जिनका भी आंसर यहां से आ रहा है वायरलेस कम्युनिकेशन बिटवीन इक्विपमेंट्स बिल्कुल राइट होगा। तो ब्लूटूथ का काम क्या होता है, वायरलेस कम्युनिकेशन बिटवीन इक्विपमेंट्स। तो बिल्कुल 100 मीटर की रेंज में, 100 मीटर 50 मीटर की रेंज में हम लोग जो है कहीं भी घूम फिर कर जो है गाने सुन सकते हैं, कोई भी चीज भेज सकते हैं, तो ये काम होता है ब्लूटूथ का। चलिए अब बात करेंगे दोस्तों हम लोग यहाँ पर मैथ की। दोस्तों मैंने अक्सर ये सुना है मैथ में क्या होगा सर, मैथ तो मुझसे कभी नहीं हो पाएगी, मैथ तो मैं कर ही नहीं सकता, मैथ अगर ना होती तो मैं पास हो जाता, बहुत सारे कमेंट है मैथ अगर ना हो तो मैं सफल हो जाती। तो कई सारे मैंने देखे हैं कि मैथ में बहुत प्रॉब्लम आती है मोस्टली लड़कियों को। दोस्तों अक्सर मैंने लड़कियों को यहाँ पर कमेंट करते हुए देखा है कि सर मुझे मैथ बिल्कुल नहीं आती है, मैं मैथ में क्या करूँ, मैथ में तो प्रैक्टिस करने का भी मेरा मन नहीं होता। तो ऐसे में दोस्तों क्या होगा, यहाँ पर मैथ के लिए दोस्तों बहुत ही बेसिक से क्वेश्चन लेकर आए हैं और ये इसी पेपर के क्वेश्चन है, बिल्कुल सिंपल वे में आपको आपके साथ डिस्कस करेंगे। तो आप लोग यहाँ पर देखिए होता क्या है इस क्वेश्चन में, आपको क्या दिया गया, 3+1, 3 का स्क्वायर +1, 3 की पावर 4+1, 3 की पावर 8+1, 3 की पावर 16+1। तो आज आपके मैथ की समस्या का समाधान होगा इस क्लास में। तो क्या कर सकते हैं आप लोग, दोस्तों क्या करेंगे आप लोग, आपका सही जवाब क्या होगा, ऑप्शन ए होगा, ऑप्शन बी होगा, सी होगा या फिर आपका डी हो जाएगा। आइए आपको समझाते हैं पहले क्वेश्चन को। तो पहले क्वेश्चन को देखिए आपको क्या दिया गया, पहले क्वेश्चन को लिखिए आप लोग। दोस्तों क्वेश्चन में आपको दिया गया 3+1, आपको दिया गया 3+1 दिया गया ब्रैकेट बंद, फिर आपको दिया गया 3 की पावर 2+1, फिर आपको दिया गया 3 की पावर 4+1, 3 की पावर 8+1, 3 की पावर 16+1, ये क्वेश्चन आपका है। अच्छा दोस्तों एक चीज मैं आपको बता दूं यहां पर, अच्छा ये पता है किसी को a² - b² क्या होता है, ये किसी को याद है, बचपन में आपने पढ़ा होगा a² - b² आपका होता है a + b a - b, ठीक है ना। तो ये फॉर्मूला इसमें अप्लाई करेंगे कैसे, देखिए आपको यहां पर क्या दिया गया, आपको दिया गया 3+1 दिया गया, अगर मैं दोस्तों क्या करूं, मैं 3 - 1 लिख दूं और बाकी दोस्तों ये दिया गया आपको 3+1, कोई दिक्कत होगी, और पूरे के मैं अपॉन में दोस्तों क्या लिखूंगा, इस पूरे के अपॉन मैंने लिख दिया 3 - 1, यहां से कोई दिक्कत हुई दोस्तों, देखिए तो मैंने यहां पर क्या किया, ध्यान दीजिएगा 3 - 1 मैंने क्या किया, इससे गुणा की और 3 - 1 से मैंने डिवाइड कर दिया, 1 को मैंने लिखा ऊपर, 1 को लिखा मैंने नीचे और खेल हो गया खत्म। अब बाकी सेम उतार दिया आप लोग ऐसे, 3 की पावर 2+1, 3 की पावर 4+1, 3 की पावर 8+1 और 3 की पावर 16+1। अब दोस्तों क्या होगा, देखिए ये क्या बन गया आपका a + b a - b, अब देखिए दोस्तों खेल खत्म। तो 3 की पावर 2 - 1 ये आ जाएगा, इन दोनों की जगह मैं क्या लिख सकता हूं यहां पर, इन दोनों की जगह मेरा आ जाएगा 3 की पावर 2 - 1 आ जाएगा। अब फिर से दोस्तों ये बचा, ये उतार लीजिए आप लोग, तो आपका बचेगा 3 की पावर 2+1, ओके ना, इधर आप लोग लिखा 3 की पावर 4+1, 3 की पावर 8+1 और 3 की पावर 16+1, और नीचे क्या बचा, नीचे जो आपका बचेगा यहां से 3 में से 1 क्या, नीचे आपका बचेगा 2 बचेगा। यहां तक तो समझ में आ गया सभी को, कोई दिक्कत नहीं है, देखिए मैंने क्या किया, ये हो गया a - b और ये हो गया a+b, तो a - b a+b को क्या लिखेंगे, a² - b² तो मैंने लिख लिया यहां पर। अब इसको देखिए दोस्तों a - b a+b, तो इन दोनों को क्या लिख सकते हैं हम लोग यहां पर, इन दोनों को हम लोग क्या लिख सकते हैं यहां पर, देखिए 3 की पावर 4 आएगा, माइनस का 1 आ जाएगा, 3 की पावर 4 - 1 आ जाएगा, खेल खत्म। बाकी हम लोग आगे उतार लेंगे दोस्तों, क्या बचा हमारा, 3 की पावर 4+1, 3 की पावर 8+1, 3 की पावर 16+1, कोई दिक्कत, और नीचे आपका क्या चल रहा है, नीचे आपका 2 आ रहा है। अब दोस्तों देखिए ऐसे इसमें भी हो जाएगा आपका, ये 4 है, ये 4 है, एक है a+b और एक है आपका a - b, तो इसमें क्या करेंगे आप लोग, देखिए अब आपको बताते हैं, यहां पर 4 4 दे रखा, 3 की पावर 8 आ जाएगा, माइनस का 1 आ जाएगा, तो इन दोनों को क्या कर सकते हम लोग यहां पर, इन दोनों को लिख सकते हैं 3 की पावर 8 - 1, और बाकी आपको दिया गया 3 की पावर 8+1 दे रखा है। ये तो मैं समझा रहा हूं, वरना ये 1 सेकंड का क्वेश्चन था खाली, तो अब मैं 1 सेकंड में लगा रहा हूं यहां पर, बस इतना लिखा है यहां पर, ये आपका 8 बनेगा, ये 16 बनेगा, ये 16 बनेगा, और सीधे जो है आपका लास्ट में क्या आ जाएगा, आपका बचेगा केवल 3 की पावर 32 - 1, नीचे आ जाएगा 2, और ये होगा आपका सही जवाब।
तो बस ऐसे करते करते आप लोग कम करेंगे और आपका लास्ट आंसर क्या हो जाएगा। इसकी शॉर्टकट ट्रिक यही है। तो दोस्तों हम लोग क्या करेंगे, 1/2 करेंगे और सीधे लास्ट वाले को देखेंगे ट्रिक। तो दोस्तों क्या करेंगे, 3 की पावर 16 है, इसका डबल कर देंगे 32 आ जाएगा माइनस का 1। तो दोस्तों सही जवाब क्या होगा, ऑप्शन ए होगा, बिल्कुल राइट आंसर। ये मैंने समझाया तो इतना टाइम लिया, वरना सिंपल सा शॉर्टकट ट्रिक है इसकी। और वो ट्रिक आपके दोस्तों क्या है, आप 1/2 कीजिए और बस जो लास्ट वाला दिख रहा है आपको, लास्ट वाला आप लास्ट का डबल कर दीजिए। ये 3 की पावर 16 है, आप लिखिए 3 की पावर 32 माइनस 1, खेल खत्म। बस यही सबसे सरल इसका तरीका था। लेकिन ये तरीका आपके तभी दिमाग में घुसता जब ये पूरा मेथड ये मैंने आपको समझाया पूरा A to Z, तभी आप लोग समझ पाते। और उम्मीद करता हूं कि अब अगर ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में आ जाएगा तो 1 सेकंड में आप लोग 1 सेकंड में सॉल्व कर लेंगे। चलिए अब बढ़ते हैं आगे, आज का अगला क्वेश्चन देखिए, इसको बताइए, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ 0.5 का क्यूब माइनस 0.1 का क्यूब और अपॉन में दोस्तों आपको क्या दिया गया इसको बताइए, 0.5 का स्क्वायर प्लस 0.5 इनटू 0.1 प्लस 0.1 का स्क्वायर। तो आपका सही जवाब क्या होगा इसको बताइए। देखिए आपको दोस्तों 0.5 दिया गया, ये ए है और ये आपका बी है बस। तो आपको दिया गया ए क्यूब माइनस बी क्यूब हो जाएगा, ठीक है ना, ए क्यूब माइनस बी क्यूब हो जाएगा। और नीचे आपको दिया गया ए स्क्वायर प्लस का ए बी प्लस का बी स्क्वायर। ये फॉर्मूला होता है आपका, देखिए ए माइनस बी होता है और ब्रैकेट में आपका आ जाएगा ए स्क्वायर प्लस का ए बी प्लस का बी स्क्वायर। और नीचे आपको दिया गया ए स्क्वायर प्लस का ए बी प्लस का बी स्क्वायर। तो इससे ये कैंसिल हो जाएगा, आपका बचेगा क्या, ए माइनस बी बचेगा। तो 5 में से 1 घटाएंगे तो कितना आ जाएगा, 0.5 में से 0.1 घटाएंगे तो 0.4 बचेगा। तो आपका सही जवाब क्या होगा, ऑप्शन बी आ जाएगा। ओके, तो जिनका भी आंसर यहां से आ रहा है 0.5 में से आप लोग 1 घटाएंगे तो आपका 0.4 बचेगा, क्योंकि आपका बराबर क्या होगा, a माइनस बी दे रखा है आपको, a माइनस बी। अगला क्वेश्चन देखिए दोस्तों आपका क्या होगा, 36। देखिए दोस्तों, सर अब ठीक है वॉइस, मैंने आपसे कहा था ना कि मुझे मन्ने सोने वाले बालक कतई जो है पसंद ना आवे, लेकिन फिर भी आप मेरी क्लास में सोते रहते हैं। इसका मतलब यही है, या तो मुझे पढ़ाना नहीं आता, या तो मैं आपको समझा नहीं पा रहा हूं, या फिर आप समझना नहीं चाहते हैं और बस सोना ही चाहते हैं। तो दोस्तों ध्यान दीजिए, नींद को त्यागे और यहां पर आगे बढ़े। इस बार जंग है दोस्तों, यहां पर मैदान जंग उड़ा देंगे यहां पर सब कुछ, बस तुम हिम्मत तो करो दोस्तों। यहां पर 36 दे रखा आपको, 36, तो 36 के दोस्तों जो है धनात्मक गुणनखंड कितने होंगे, 36 के जो है धनात्मक गुणनखंड कितने होंगे, आप लोग जैसे कर लीजिए, बचपन में करते थे हम लोग, यहां पर 2 एकम 2, 2 अट्ठे 16, 2 निम 18, यही तो करते हम लोग बचपन में, 2 एकम 2, 2 अट्ठे 16, 2 निम 18, 3 से काटे 3, 3 9 और 3 एकम 3, तो हमारा क्या हो जाएगा। तो चलिए दोस्तों आपको बताते हैं यहां पर आपका सही जवाब क्या होगा, इसको देखिए। तो दोस्तों 36 को हम लोग लिख सकते हैं यहां पर 2 × 2 × 3 × 3, मतलब कहने का मेरा क्या है, 2 की पावर 4 है, या फिर सॉरी 2 की पावर 4 में कह रहा, 2 की पावर 2 दे रखा है, 2 2 बार है ना आपका, तो 2 की पावर 2 है, 2 की पावर 2 है मल्टीप्लाई 3 की पावर 2 है। तो आपका यहां पर कितने पॉजिटिव फैक्टर होंगे ये आप लोग को बताना है। तो दोस्तों देखिए पावर कितनी है आपकी, यहां पावर 2 है, यहां पावर 2 है, 2 का लिखेंगे 3, इनके मल्टीप्लाई कराएंगे तो 3 × 3 = 9 हो जाएगा। तो यहां पर मेरे कितने पॉजिटिव फैक्टर बनेंगे, तो मेरे टोटल जो गुणनखंड होंगे ये 9 हो जाएंगे, ठीक है ना। तो करते हैं कि हम लोग यहां से जो पावर होती है ना, पावर इसकी ट्रिक क्या है, अगर आपको a की पावर p दे रखा हो इंटू b की पावर q हो इंटू c की पावर r हो, तो आप लोग को निकालना पॉजिटिव फैक्टर। पॉजिटिव फैक्टर बराबर होता है आपका p प्लस 1 इंटू, ट्रिक है ये शॉर्टकट ट्रिक, q प्लस 1 इंटू r प्लस 1, ये आपकी ट्रिक है और यही आपका आंसर होता है। जैसे कि पावर आपका 2 था तो मैंने 2 को क्या किया 3 किया, उसका भी 2 था 2 को क्या किया 3 किया और बस मल्टीप्लाई किया, हमारा आंसर आ गया 9 आ गया। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए दोस्तों, आज का अगला क्वेश्चन आपके सामने बहुत ही इंपॉर्टेंट आपको दिया गया है, विजय और साहिल मिलकर एक काम को 40 में पूरा कर सकते हैं। अब दोस्तों यहां पर आपको क्या दिया गया है इसको बताइए। एक बार मैं फिर से आपको बता रहा हूं, ध्यान दीजिएगा, 2 लोग आपके हैं विजय और साहिल, ये एक काम को 40 दिन में कर सकते हैं। साहिल और रंजीत 48 में कर सकते हैं, रंजीत और आपके विजय 60 में कर सकते हैं। तो तीनों लोग अगर मिल जाए तो आपका सही जवाब क्या होगा, आइए आपको समझाने का भरपूर प्रयास करेंगे। तो कौन कौन है आपके, मिस्टर विजय और साहिल, विजय और साहिल, तो
तो विजय प्लस साहिल मिलकर एक काम करते हैं 40 दिन में, साहिल और आपके रंजीत, साहिल और रंजीते जो है मिलकर 48 में करते हैं, और रंजीते और विजय, रंजीते और विजय मिलकर उस काम को 60 दिन में करते हैं। तो सबसे पहला काम क्या है दोस्तों? सबसे पहला काम है आपका इन तीनों का एलसीएम निकालना। तो एलसीएम मेरा आ जाएगा 240 आ जाएगा, यही तो आएगा आपका। तो आप लोग एलसीएम ले लीजिए, 240 आपका आ जाएगा। ओके, 4 × 6 = 24, 48 × 5 = 240, 60 × 240, ये क्षमता आ गई। पहले की क्षमता 6 है, दूसरे की 5 है, और तीसरे की आपकी 4 है। अब इनको आप लोग जोड़ लीजिए आप लोग, तो V प्लस S, S प्लस R और R प्लस V, तो आपका आ जाएगा 2 B प्लस S प्लस R बराबर आपका क्या हो जाएगा 6 × 5 = 11, 4 = 15 हो जाएगा। तो 2 हमारा मल्टीप्लाई में डिवाइड में आ जाएगा, तो तीनों की क्षमता मेरी आ गई 15/2। दोस्तों तीनों की जो इफिशियंसी है, तीनों की इफिशियंसी मेरी 15/2 आ गई। अब टोटल आपको काम दे रखा है 240, इफिशियंसी है 15/2, 2 ऊपर चला जाएगा अब काटिए। तो दोस्तों आपका सही जवाब क्या होगा, 15 × 15, ठीक है ना, 15 × 6 = 90, 16 × 2 = 32। तो जिनका भी आंसर 32 आ रहा बिल्कुल राइट होगा, सही जवाब होगा आपका 32, वेरी गुड। चलिए आज का अगला क्वेश्चन आपके सामने है, इसको बताइए आप लोग सही जवाब क्या होगा। देखिए, एक वस्तु का अंकित मूल्य यानी कि एमपी उसके क्रय मूल्य से 50% ज्यादा है, यदि डिस्काउंट 20% दिया जाए तो लाभ प्रतिशत क्या होगा? आप लगाइए सक्सेसिव मेथड, मैंने तरीका बताया ना सक्सेसिव मेथड, आप इसमें अप्लाई करो सक्सेसिव मेथड। शॉर्टकट ट्रिक क्या होती है? शॉर्टकट ट्रिक आपकी होती है ए प्लस बी प्लस ए बी अपॉन 100। अब देखिए दोस्तों, 50 ज्यादा है और 20 डिस्काउंट है, 50 ज्यादा है और 20 डिस्काउंट है, प्लस माइनस माइनस 50 × 20 अपॉन में 100, 0 से 0 कट गया, 0 0 कट गया, 50 × 20 गया आपका 30 बचेगा, माइनस 5 × 10 आपका 20 आ जाएगा। तो प्रॉफिट कितना होगा मेरा, प्लस का 20 बचा तो प्रॉफिट हो जाएगा 20% मेरा आंसर आ जाएगा, बिल्कुल राइट। अगला क्वेश्चन देखिए आपको क्या दिया गया, इसको बताएगा, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। एक वस्तु पर 40% डिस्काउंट देने के बाद भी लाभ जो है हमें 20% का लाभ होता है अगर हम डिस्काउंट ना दें, अगर हम डिस्काउंट ना, अच्छा कितने क्वेश्चन बचे हैं दोस्तों? क्वेश्चन बचे हैं 5 क्वेश्चन, 7-8 मिनट, बस मुश्किल 7 मिनट लगेंगे और 7 मिनट के अंदर खेल खत्म हो जाएगा पूरा। तो दोस्तों एक वस्तु पर 40% का डिस्काउंट देने के बाद भी 20% का प्रॉफिट होता है, तो ऐसे में अगर हम डिस्काउंट ना दें तो क्या होगा? चलिए दोस्तों आप लोग बताइए 9th क्वेश्चन का आपका सही जवाब क्या होगा। चलिए मेरे प्यारे मित्रों, क्लास अच्छी लगे वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, मिलकर आप लोग सपोर्ट कीजिएगा। तो एमपी पर मैं डिस्काउंट दे रहा हूं 40% का, लिखा है मैंने यहां पर 60/100, और लाभ हो रहा है मेरा यहां पर सीपी पर 120/100, 100 से 100 कट गया, 60 × 60, 60 × 120, तो मेरा आ जाएगा एमपी अपॉन सीपी आ जाएगा 2/1। तो 1 रुपए की चीज है अगर हम 2 रुपए में बेचेंगे, अगर 1 रुपए की चीज है अगर 2 रुपए में बेचेंगे तो हमें प्रॉफिट कितना हो रहा है दोस्तों? यहां पर 1 रुपए का यहां पर पूरा हमें प्रॉफिट होगा, 1 रुपए की चीज पर 100 से मल्टीप्लाई करेंगे तो मेरा परम सत्य आंसर आ जाएगा 100%। हमें पूरा का पूरा यहां पर 100% का फायदा होगा, क्योंकि एक की चीज हम जस्ट डबल में बेचेंगे तो मेरा फायदा होगा 100% का। तो अगर मैं डिस्काउंट ना दूं, अगर मैं डिस्काउंट ना दूं तो हमारा लाभ होगा 100, और मैं देख पा रहा हूं सबके परम सत्य आंसर में आ रहा 78 वाले अपनी गड्डी साइड में लगा लें, क्योंकि इसका सही जवाब तो होगा 100 हो जाएगा 100। अरे 1 रुपए की चीज है 2 में बेच दो तो फायदा कितने का होगा आपको? 100 का फायदा होगा ना पूरे का, 1 रुपए की चीज डबल में बेच रहा हूं तो पूरा 100% का फायदा आपको हो रहा। तो जिनका भी आंसर 100% आ रहा बिल्कुल राइट होगा, परम सत्य आंसर होगा आपका 100%। अगला क्वेश्चन देखिए, इसको बताइए, 2 संख्याओं का अनुपात है 4:5 है, 2 संख्याओं का आपका जो है अनुपात 4:5 है, यदि दोनों संख्याओं में 4 की वृद्धि की जाए तो अनुपात आपका 5:6 हो जाता है, तो दोनों संख्याओं का योग क्या होगा? तो मैंने मान ली हमारी संख्याएं 4 और 5 है, ओके, दोनों संख्या मेरी क्या है 4 और 5 है, और बाद में दोस्तों क्या होता है 5 और 6 हो जाती है, क्या कर दिया मैंने इनमें? अगर मैं 4 की वृद्धि कर देता हूं तो अगर मैं प्लस 4 करूंगा तो 4/5 5/6 हो जाता है। अब देखिए दोस्तों, 5 में से 4 गया और 6 में से 5 गया, 1 बराबर आपको 4 दिया गया, ओके, 1 बराबर 4 है, x बराबर मेरा 4 दिया गया है, तो दोनों संख्याओं का कितना हो जाए? तो 5 × 9 = 36, तो दोस्तों 5 × 9 = 9 से मल्टीप्लाई करेंगे तो मेरा सही जवाब हो जाएगा 36। तो इसका बिल्कुल सही जवाब क्या होगा? 36, दैट्स अ परफेक्ट आंसर। चलिए
ये क्वेश्चन है बिल्कुल हलवा हलवा, इसको आप लोग बिल्कुल आराम से खाइएगा, बहुत ही मीठा होगा। 2a बराबर है 3b, तो a प्लस बी अपॉन a का मान क्या होगा, चलिए बताइए। क्या हो दोस्तों, कोई प्रॉब्लम है आपको, समस्या हो रही है, बताइए दोस्तों कोई समस्या। गोलू यादव, मीनू जी, रोहित, शिवानी चौहान, अशोक, राकेश, हिटलर दीदी, पवन कुमार, एनी शर्मा, काजल गुप्ता, जितने भी लोग क्लास को देख रहे हैं, उम्मीद करता हूँ कि आप सभी को समझ में आ रहा होगा। ये बिल्कुल बेसिक सा क्वेश्चन है, बहुत ही सिंपल। 2a बराबर आपको दिया गया है 3b, तो हम लिख सकते हैं यहाँ पर a अपॉन b मेरा आ जाएगा 3, इधर आ जाएगा 2 अपॉन भेज देंगे, तो a बराबर आ जाएगा 3 और b बराबर आ जाएगा 2, तो a प्लस b 3 2 5 और a का मान 3, तो आपका सही जवाब क्या होगा, 5:3 आ जाएगा। तो जिनका भी आंसर यहाँ से आ रहा है 111 क्वेश्चन का, 5/3 बिल्कुल राइट होगा। तो मेरे प्यारे साथियों आपका सही जवाब क्या होगा, 5/3। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। इफ अ सर्टेन सम बिकम्स टू टाइम्स इन 7 इयर्स एट कंपाउंड इंटरेस्ट, देन हाउ मेनी इयर्स इट विल बिकम 8 टाइम्स, तो आपका सही जवाब क्या होगा, इसको देखिए। यदि कोई धनराशि दोस्तों ध्यान दीजिएगा, यहां पर बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपको दिया गया है, इसको आप लोग बताइए। देखिए अब इसके तरीका क्या लगाने का, बिल्कुल ध्यान से समझिएगा, बहुत ही बेसिक सा क्वेश्चन आपके सामने है। तो दोस्तों यदि कोई धनराशि चक्रवृद्धि ब्याज पर 7 वर्षों में दोगुनी हो जाती है, 7 सालों में कोई धनराशि आपकी दोगुनी हो जाती है, तो कितने सालों में वो हमारी 8 गुनी हो जाएगी। तो 8 गुने को कैसे लिख सकते हैं दोस्तों, 2 को 8 कैसे मैं बना सकता हूं, 2 की पावर 3 लगा दूं तो 8 हो जाएगा। तो ये जो पावर है ना, पावर आप इसमें क्या करोगे, 7 में ये पावर से मल्टीप्लाई कर दोगे, तो 7 × 21 हो जाएगा। तो अगर कोई धनराशि 7 वर्ष में दोगुनी हो जाती है, तो कितने वर्ष में 8 गुनी हो जाएगी, 21 सालों में। ओके, नहीं समझ में आया, अच्छा एक क्वेश्चन और देता हूं मैं यहां पर। कोई धनराशि अगर आपकी चक्रवृद्धि ब्याज की दर से अगर आपके 3 सालों में जो है अगर आपकी दोगुनी हो जाती है, तो कितने सालों में धनराशि आपकी जो है 32 गुना होगी दोस्तों, चलिए इसको बताइए। अगर कोई धनराशि 3 सालों में, अगर कोई धनराशि 3 सालों में दोगुना हो जाती है, तो कितने सालों में आपकी 32 गुना होगी। देखिए 32 को कह सकते हैं यहां पर, 2 की पावर 32 है, 2 × 4 × 8 × 16 × 32, 2 की पावर 5 आ जाएगा। तो ये जो पावर है ना, पावर इसी से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो 3×5 = 15 हो जाएगा। तो अगर कोई धनराशि 3 साल में डबल हो रही ना, तो 15 सालों में जो है वो 32 गुना हो जाएगी। कितने सालों में, 15 सालों में। क्लियर है, अब तो कोई डाउट नहीं है। चलिए ये है आज का अंतिम प्रश्न। तो दोस्तों आपको जानकर बहुत ही खुशी होगी कि अब आपका अंतिम प्रश्न आ चुका है, आज का लास्ट क्वेश्चन आपके सामने आ चुका है। इसके बाद आप लोग खेलिए कूदिए, खुश रहिए, कुछ भी कीजिए, रिविजन कीजिए, पढ़ाई कीजिए, लेकिन इस क्वेश्चन का जवाब देकर जाइएगा। क्लास अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिएगा, सभी लोग एकदम बिल्कुल बिंदास होकर शेयर कीजिएगा। तो चलिए आप लोग बताइए यहां पर, यदि किसी सम चतुर्भुज का बेकन है 12 और 16, तो उस सम चतुर्भुज का परिमाप क्या होगा, इसको बताइए। तो दोस्तों एक मैंने बना लिया यहां पर सम चतुर्भुज बना लिया, जिसकी सारी भुजा बराबर है, तो ये मेरा एक हो गया सम चतुर्भुज हो गया। ओके, एक बेकन इसका दे रखा है आपको यहां पर 12 दिया गया है, और एक बेकन आपको जो दिया गया यहां पर, यह आपको दिया गया 16 दे रखा है। तो एक 12 है, एक 16 है, तो 12 का मतलब होगा 6×6 = 12, तो ये 6 हो गया 12, 16 रखा है आपको 8 और ये 8, 8 और 8 मतलब कितना हो जाएगा, 16 हो जाएगा। अब दोस्तों ये जो है 90 डिग्री के एंगल पे काटते हैं, तो इसके जो विकर्ण होते हैं ना आपके 90 के एंगल पर काटते हैं, अगर ये 8 है ये 6 है, तो ये कितना हो जाएगा दोस्तों, भुजा, ये भुजा कितनी हो जाएगी, सिंपल से आपकी 10 हो जाएगी। क्यों, 3 4 5, तो ये ट्रिपलेट होती है आपके दोस्तों, 3 4 5, 3 × 6 4 × 8, तो 5 × 10, ये ट्रिपलेट आपको मैंने पढ़ा रखी है, जैसे 3 4 5, तो आपको क्या हो जाएगा यहां से 6 8 10, तो ये आपका 10 हो जाएगा, अगर ये 10 है तो ये भी 10, ये 10 तो ये भी 10, ये भी 10, तो इसका पेरीमीटर क्या हो जाएगा, तो इसका परिमाप हो जाएगा 10 10 10 10 10 20 30 40, तो आपका सही जवाब हो जाएगा 40, हो गया ना। तो दोस्तों सर आप दिखाई क्यों नहीं दे रहे हो, तो मैंने यहाँ पर पढ़ लिया, जब क्लास में 1000 लोग आ जाएंगे मेरी क्लास में फिर से, तो मैं फिर से पाईपेस कैमरे से आप लोग के सामने आऊंगा। जब तक मेरी क्लास में 1000 लोग नहीं हो जाते, तब तक मैं आपको ऐसे ही बिल्कुल दिल से पढ़ाऊंगा, आप लोग तब तक मेरी आवाज़ सुनते रहिए।
मिलेंगे आप लोगों से आपकी अगली क्लास में। उम्मीद कर रहा हूँ उम्मीद करता हूँ कि आप लोग सब लोग मिलकर सपोर्ट करेंगे। तब तक लिए मेरे प्यारे साथियों नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम। आग लगा देंगे इस बार।